press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगी नाजिया खान और प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दोनों को ना सिर्फ टोपी वालों से गालियां आ रही हैं बल्कि जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाजिया लाई खान जी का बड़ा ही दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर इस बार हराम खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो कोई लोग डरना मत कुछ बोलना, उसको मार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने सुना, अगर वो 3-5 करके जीता तो एदा पर उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो ये बेमानी से जीता था, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो वो बेमानी जीता था, हालांकि वो पहले ही हार गया था, लेकिन आप लोगों की वजह से, उसकी जीत की वजह से वो अपना दिन टिक गया। लेकिन अब की बार नहीं वो रहेगा, अगर ज़्यादा 3-5 करेगा ना, जीतने के बाद उसको मैं मार डालूंगा, ठीक है। अगर नहीं मैं मार सका, अगर कोई काम में फंस गया तो तुम लोग मार देना, या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। भारत की बेटियां अपने आप को शक्ति का रूप समझती हैं। भारत की महिलाएं रात के 2 बजे भी बाहर निकलने से पहले ना एक बार हिचकिचाती नहीं है। आज मुसलमान मर्द तलाक देने से पहले ना मोदी और योगी का चेहरा देख लेता है। आज मुसलमान मर्द रेप करने से पहले ना, अपने पैंट का जिप खोलने से पहले ना, उसको याद आ जाता है कि अरे बाप रे, नया कानून लागू हो चुका है। जिसको तुम काफिर कह रहे हो, जिसको तुम पीगन कह रहे हो, जिसको तुम बुत परस्त कह रहे हो, आज वो तुम्हें बता रहा है, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि तुम्हारे अल कुरान में 306 बार इकरा की बात, पढ़ने की बात कही गई है, शिक्षा की बात की गई है, 800 बार इंसानियत की बात कही गई है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब मुसलमान नहीं पढ़ रहे, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए। उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है, वही करता है, अरब जाता है, वही करता है। मतलब जब तक इसको दूसरे धर्म वाले मिलते रहते हैं मुसलमानों को, वो दूसरे धर्म को काफिर बोल करके, यहूदी बोल करके, ईसाई बोल करके काटता मारता रहता है। और साफ शपथ ले रहे हैं कि जान भी जाएगी तो जाएगी, लेकिन भारत के संविधान को बचाएंगे। तो आज अच्छा नहीं लग रहा है कि जिन हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन हाथ में तिरंगा झंडा है। जिस दिमाग में मार काट बलात्कार हुआ करता था, आज उस दिमाग में देश का संविधान और देश की सुरक्षा की बात चल रही है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तीसरी दफा भी वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बहुत से मुसलमान नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा आए, क्योंकि उनका मानना यह है कि मोदी आएगा तो इसके साथ बुलडोजर भी वापस आएगा। सो बुलडोजर का खौफ भी इस वक्त जो है काफी ज्यादा मुस्लिम मोहल्ले ऐसे है जिनके अंदर रचा बसा है। लेकिन साथ साथ एक नई चीज आना शुरू हो गई है। ये चीजें पाकिस्तान में तो हमने देखी थी कि सियासतदानों को मर्डर की धमकी आ रही है कि आपको मार देंगे, काट देंगे। यही चीज जो है इंडिया में भी अब स्टार्ट हो गई है, और उनके वजीर आजम भी कह रहे हैं कि मुझे जी जान से मारने की जो है धमकी आ रही है। और दोस्तों ये खबर कोई छोटी नहीं है, क्योंकि कल की खबर अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो 100 से ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो भारत का जो है इलेक्शन सिस्टम चाहती हैं अपनी कंट्री में। जिस तरह से फेयर इलेक्शंस इंडिया में होते हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज वही सिस्टम अपनी कंट्री के अंदर लॉन्च करवाना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया का वजीर आजम है, उनको धमकियां क्यों दी जा रही है? और आखिर कुछ मुसलमान जो है या सारे मुसलमान नाखुश क्यों हैं बीजेपी से? क्या ये वाकई हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, या फिर शायद कोई सरफिरा भी हो सकता है? तो नाजिया लाई खान हमारे साथ मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। चला आपने बहुत क्या कहेंगे ये जो धमकियां आ रही है? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमारे हमारी पूरी दुनिया में 100 ऐसी कंट्रीज है जो हमारे इलेक्शन के सिस्टम को ग्रैब करना चाहती है, हमारे इलेक्शन के सिस्टम को समझना चाहती है, और इसी इलेक्शन सिस्टम से अपने देश में भी इलेक्शन करवाना चाहती है। क्योंकि बाकी उन 100 देशों को ऐसा लगता है और कि जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से हमारे केंद्र की सरकार ने इलेक्शन सिस्टम को इतना फेयर कर दिया है, इतना ट्रांसपेरेंट किया है और इतनी खूबसूरती और शांति से इलेक्शन कराने का जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, ये पहले भारत में भी नहीं था और बाकी देशों को इससे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव थॉट नजर आ रहे हैं कि इस तरह से हम लोग जैसे भारत में फेयर इलेक्शन होता है वैसे ही हम अपने अपने देशों में भी करवाएंगे। और इस बात में भी सच्चाई है कि कुछ ऐसे मुसलमान भारत में हैं जो अभी भी धड़ल्ले से भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की योजनाएं भी ले रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री का बुरा करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज को सेट कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है कि कहीं एक तरफ कांग्रेस के राहुल बाबा जो शहजादे हैं राहुल गांधी परिवार के, वो भारत के प्रधानमंत्री को शहनशाह पुकार रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सहनशाह पुकारना चाहिए क्योंकि इतना सहन करते हैं, इतना सहन करते हैं गंदी गंदी गालियां। सिर्फ हमेशा वाला मुसलमान गालियां नहीं देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी मेल कर करके उनकी मरी हुई माँ को गालियां देते हैं, मेरी दादी को, मेरी मरी हुई गाली को, नानी को गंदी गंदी गालियां कब्र से उठा उठा करके उनके प्राइवेट पार्ट्स के को घीट घीट करके मुसलमान गालियां देते हैं और उसी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री उनको भी, उनकी मरी हुई माँ को भी गालियां देते हैं। तो कल भी मैंने कहा कि राहुल बाबा तो शहजादे हैं गांधी परिवार के, पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी शहनशाह बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से मुसलमान उनको मलाइन कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान उनकी उनको गालियां परोस रहे हैं, उनकी मरी हुई माँ को गालियां परोस रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको शहनशाह बोलना चाहिए क्योंकि इतनी सहनशाही क्या है प्रधानमंत्री के लिए। एक कंप्लेन और सारे के सारे ईमेल का ट्रेस किया जाएगा और उनको जेल की सलाखों में डाला जाएगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ऐसा, वो सहन कर रहे हैं। और बड़ा आसान है शैला, हमारे इस देश में बड़ा आसान हो गया है कि एक टोपी लगा लो, एक गमछा डाल लो, एक साफा डाल लो, कुर्ता पहन लो और भारत के प्रधानमंत्री की माँ को गालियां दे दो और उनके मर्डर की स्ट्रैटेजी अपने सोशल मीडिया पर बोल दो। मैं उसका एक जिंदा मिसाल अभी आपके सामने दिखा देना चाहती हूँ क्योंकि लोग जानते हैं कि नाजिया तथ्य के आधार पर बात करती है और प्रूफ के साथ बात करती है। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे हर एक मोमिन भाई, अगर इस बार हराम खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना तो कोई लोग डरना मत, मत उसको मार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने, अगर वो 3-5 करके जीता तो एरा पर उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो ये पैमाने से जीता था, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पहले भी इलेक्शन हुआ था तो बेमानी जीता था, हालांकि वो पहले ही हार गया था, लेकिन आप लोगों की वजह से, उसकी जीत की वजह से वो अभी जीत गया, लेकिन अब की बार नहीं हो रहेगा। अगर ज्यादा 3-5 करेगा ना जीतने के बाद उसको मैं मार डालूंगा, ठीक है। अगर नहीं मैं मार सका, अगर कोई काम नहीं था तो तुम लोग मार देना, या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो रखते हैं पता। मैं ना मार सकूं तो तुम लोग मार देना, इतना आसान होता है। ये किसी काम में फंस गया तो बाकी मुसलमानों को ये जिम्मेदारी दे रहा है भारत के मुसलमानों को कि मैं किसी काम में फंस गया तुम लोग मार दो। मतलब कितना आसान है, दाढ़ी रख लो और कहो कि हम सुन्नत रसूल मान रहे हैं, टोपी पहन लो और कह दो कि हम सुन्नत रसूल मान रहे हैं, कुर्ता पहन लो, साफा डाल लो, कहो कि हम मुसलमान हैं और भारत के देश के प्रधानमंत्री को मारने की स्ट्रैटेजी भी कर रहा है और साथ साथ बाकी मुसलमानों को प्रोवोक भी कर रहा है कि वो नहीं मार पाएगा तो बाकी मुसलमान मर्द मार देंगे। और सोशल मीडिया पे ये कंपेन चला रहा है, कंपेन चला रहा है, कोई डर नहीं। अब आप सोचो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सबूत के साथ बात करूंगी, मैं हवाबाजी पे बात नहीं करूंगी। और जिस तरह से शैला, आप मेरे ट्विटर एक्स को आप देखिएगा और जितने भी व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं वो भी मेरे ट्विटर एक्स पर जाकर के देखें किस तरह से गालियों की बारिश मुझे की जाती है, किस तरह से मेरी मरी हुई दादी, मेरी मरी हुई नानी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के गालियां देते हैं, मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां देते हैं, मेरे पिता को गंदी गंदी गालियां देते हैं। मुझे तो खैर मतलब गालियों से नहला डाला है सर से पैर तक मुसलमानों ने,
नाम लिखता है हाजी फलाना और नीचे गंदी गंदी गालियां लिख रहा है, नाम लिखता है मोहम्मद मोइन और नीचे गंदी गंदी गालियां लिखता है, नाम लिखता है मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद और नीचे गंदी गंदी गालियां लिखता है, एकदम गंदी। आप कोई भी जो भी मेरी मेरा और आपका ये देख रहा है रिकॉर्डिंग, वो बिल्कुल मेरे ट्विटर एक्स पर जाकर के वो चेक कर ले। इतनी गंदी गालियां कि मैं शब्दों से बोल नहीं सकती हूँ, और अभी तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि देखो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने ना सिर्फ इन टोपी वालों को बल्कि जो शांति दूत है उनको भी जम के एक्सपोज किया, जो कि ना सिर्फ नाज़िया खान जी को गालियां और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बल्कि सीधा सीधा हमला भारत के प्रधानमंत्री मोदी पे भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।